क्या बिहार में टूटने की कगार पर है विपक्षी महागठबंधन? बिहार महागठबंधन पर क्यों मंडरा रहे हैं संकट के बादल? बिहार में महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच तनातनी इतनी बढ़ गई है कि बिहार में महागठबंधन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स, जीतनराम मांझी की महत्वाकांक्षा और लालू यादव की चालाकी के चलते सीट बंटवारे का मसला नाजुक मोड पर पहुंच गया है, जिससे महागठबंधन टूटने की कगार पर है। सूत्रों के मुताबिक बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस 15 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं, जबकि आरजेडी उसे 8 से ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं दिख रही है। उधर आरएलएसपी 5 सीटों पर अड़ी हुई है, जबकि कांग्रेस कुशवाहा की पार्टी को 5 सीटें देने को तैयार नहीं। इन दोनों पार्टियों के बीच पूर्वी चंपारण को लेकर भी पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस और आरएलएसपी दोनों पूर्वी चंपारण सीट पर अड़े हुए हैं। वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतनराम मांझी चाहते हैं कि सीटों के बंटवारे में उनका हिस्सा आरएलएसपी से कम ना हो। कांग्रेस सूत्रों की माने तो वो अपनी मांग को 12 सीटों से नीचे नहीं ले जा सकते, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 12 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 3 राज्यों में जीत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी फ्रंट फुट पर खेलने की बात कही थी। ऐसे में 12 सीटों से कम पर समझौता करना कांग्रेस को मंजूर नहीं है। खबरों की माने तो यूपी में एसपी बीएसपी के गठबंधन से कांग्रेस को बाहर रखने के बाद बिहार में आरजेडी भी कांग्रेस को घुटने पर लाना चाहती है। सीट बंटवारे पर आरजेडी के रवैये से कांग्रेस आलाकमान खास नाराज बताए जा रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि अगर सीटों के बंटवारे पर जल्द बात नहीं बनी तो कांग्रेस आरजेडी से गठबंधन तोड़ आरएलएसपी, पप्पू यादव और लेफ्ट पार्टियों के साथ चुनाव में जा सकती है। हफ्ते भर से दिल्ली में बैठे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से रविवार को हुई बात मुलाकात का भी नतीजा नहीं निकल सका। खबर है कि लालू यादव ने तेजस्वी को साफ हिदायत दे रखी है कि कांग्रेस को 8 सीटों से ज्यादा नहीं देना है। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर मची खींचतान के बीच होने वाली साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कैंसिल कर दी गई है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बिहार में महागठबंधन एकजुट रहता है या फिर बिखर जाता है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।